2001 में आई गदर एक प्रेम कथा मूवी को शायद भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन दोस्तों इस मूवी में सनी पाजी की एक्टिंग को शायद कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। अभी खबर ये निकल के आ रही थी कि गदर का सेकंड पार्ट यानी कि गदर 2 आप लोगों के सामने बस एक या डेढ़ साल के अंदर आने वाला है। अब आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि गदर पार्ट 2 में कौन से अभिनेता काम करने वाले हैं और किस अभिनेता की कितनी फीस है। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, गदर के सेकंड पार्ट की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है और अभी तो यहाँ पे इसकी शूटिंग हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। एक बार फिर से तारा सिंह अपने बेटे यानी कि जीतो उत्कर्ष शर्मा को बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। फिर से एक बार पाकिस्तान में धमाल मचने वाला है। दोस्तों यहाँ पे खबरों का माने तो इस मूवी में लगभग 100 करोड़ का बजट लगाया जा रहा है। वहीं पे अगर बात करते हैं इसमें मेन कैरेक्टर के बारे में तो लीड एक्टर में जहां पर पुरानी गदर फिल्म की तरह ही सनी देओल पाजी और निर्देशक के रूप में अनिल शर्मा जो कि गदर एक प्रेम कथा के निर्देशक भी थे, लीड अभिनेत्री के रूप में अमीषा पटेल और यहां पे एक अहम रोल था जो कि था सनी पाजी के लड़के यानी कि जीतो का, जो कि दोस्तों उत्कर्ष शर्मा करने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इन चारों कलाकारों में से किसकी कितनी फीस है। सबसे पहले दोस्तों सनी पाजी के इस मूवी में जो लड़के बने थे यानी कि उत्कर्ष शर्मा अनिल शर्मा के ही बेटे हैं जो कि इस मूवी के निर्देशक हैं, उनकी फीस लगभग 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ होने वाली है। अनिल शर्मा यानी कि इस मूवी के निर्देशक जिन्होंने गदर प्रेम कथा जैसी बड़ी फिल्म को एक अलग ही तरीके से ऑडियंस के सामने रखा था, उनको लगभग 5 से 6 करोड़ फीस इस मूवी के लिए दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस मूवी की अभिनेत्री यानी कि अमीषा पटेल। अमीषा पटेल को लगभग 2 से 3 करोड़ की फीस दी जाने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे अहम कलाकार यानी कि लीड एक्टर सनी देओल भैया की, तो सनी देओल भैया को लगभग इस मूवी के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इस मूवी में 7 से 8 करोड़ के साथ साथ प्रॉफिट में परसेंटेज भी दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों एक हिसाब से देखा जाएगा तो इस मूवी की दीवानगी आज से ही पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। जब रिलीज होगी तो हो सकता है बाहुबली और RRR जैसी मूवियों के भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वैसे दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हो गदर के पार्ट 2 को लेकर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चलते चलते बस आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।